हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। टाइटल देखकर आपको पता लग गया होगा आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली। आज की वीडियो है मिस्टेक्स जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी के स्टार्टिंग में जब मैं इसको चूज किया था एज ए करियर स्टार्टिंग में करी उन बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आई एम श्योर आप लोग भी सेम मिस्टेक्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अभी कर रहे होंगे, तो उन मिस्टेक्स को मैंने कैसे ओवरकम किया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपको दो चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। पहले कुछ मिस्टेक्स जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करी, या चार या पांच मिस्टेक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स थी या जो मोस्ट जिनकी वजह से मेरा अकाउंट हमेशा खाली हो जाता था वो, और सेकंड मैंने उनको कैसे ओवरकम किया, ये दोनों चीज़ें मैं आपको साथ बस साथ बताने वाला हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा कि मिस्टेक्स क्या थी और उसको मैंने ओवरकम कैसे किया। तो स्क्रीन पर चलते हैं। स्क्रीन पर हम आ गए हैं और आज हम बात करने वाले हैं मिस्टेक्स जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करी है। तो पहले मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा, उसके बाद उसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा हैंड टू हैंड कि मैंने क्या उसको सोल्यूशन किया और मैंने फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उसको कैसे अप्लाई किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली जब मैं मार्केट में आया था, पहली जो मेरी मेन मिस्टेक थी वो थी मेरी एक्सपेक्टेशंस। पहले मैं जब मार्केट में आया था तो मैं भी आप लोगों की तरह देख कर आया था कई बार कि मुझको भी अच्छे पैसे कमाने हैं, अच्छे अच्छे पैसे कमाने हैं, बढ़िया एक एक दिन में घर में बैठ के इतने पैसे कमाने हैं। पहले मैं भी आपकी तरह एक्सपेक्टेशंस लेकर आया था कि मार्केट में 10,000 रुपये लगाऊंगा तो 10 के 20 हो जाएंगे, फिर 20 के 40 हो जाएंगे। इस तरीके से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी अलग थी मेरी। आई होप जो स्टार्टिंग में एज ए ट्रेडर आता है उसको भी चाहिए होता है कि एक बार 50,000 रुपये लगाओ और रोज़ के 500 कमा लूँगा, 1,000 कमा लूँगा। तो ये गलत है। इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से कई बार स्टार्टिंग में 2 बार या 3 बार मेरा अकाउंट ब्लो हुआ है, बिल्कुल जीरो हो गया था। 2018-19 की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मोस्टली क्या करता था, कोई भी ट्रेड अगर ऑप्शन 20 रुपये से 200 चला जाता था तो मैं उसको काउंट करता था कि यार 180 पॉइंट्स कमा लेता मैं, अगर 1,000 शेयर ले लेता तो आज मैं इतने पैसे कमा लेता, अगली बार मैं इतने कमा लूँगा। ये बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस की वजह से मेरे स्टार्टिंग के 2 या 3 बार पूरा अकाउंट जीरो हुआ है। तो इसको मैंने ओवरकम करने के लिए, अब बात करते हैं कि इसको ओवरकम कैसे किया मैंने, इस मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस पहले जीरो करी। एक्सपेक्टेशन जीरो मतलब मैंने ये माना कि मार्केट में पैसा कमाने नहीं आया हूँ, मुझको सिर्फ फ्लैट रहना है। फ्लैट रहना है मतलब मुझको अपने पैसे जो मैंने 20,000 रुपये डाले हैं या 10,000 रुपये डाले हैं इनको 2 या 3 महीने तक मैंने खाली नहीं कराना है। बस मुझके 10 के 10 ही अगर मेरे बच जाएंगे तो भी मुझको सही रहेगा। एक्सपेक्टेशंस मैंने बिल्कुल जीरो करी और उसके बाद सिर्फ मेरा पहला मकसद क्या, पैसा कमाना नहीं रहा, पहला मकसद मेरा पैसा बचाना रह गया हमेशा। मैं चाहता था कि पैसे अपने पहले बचाऊं, उसके बाद धीरे धीरे कमाऊंगा और ये मेरे बिल्कुल काम आया। आपका भी पहला मकसद आपका ये होना चाहिए कि जो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा है उसको बचाना मेरी जिम्मेदारी है, पहले आप उसको बचाएं। धीरे धीरे अगर आप उनको बचाना आ गया, आपने 2 महीने 3 महीने तक अपना अकाउंट स्टार्टिंग में बचा लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ग्रो हो जाएगा। तो पहले मैंने अपनी मिस्टेक बता दी। अब बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, पोजीशन साइजिंग। सेकंड मिस्टेक क्या थी, पोजीशन साइजिंग। अगर मेरे पास 20,000 रुपये होते थे तो मैं पूरे के पूरे 20,000 रुपये के आउट ऑफ द मनी के 500 शेयर 600 शेयर ऑप्शंस की प्राइस कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में 500, उस टाइम पे 25 का लोट होता था, तो 500 और 600 इस तरीके से बड़े पोजीशन साइजिंग लेता था डायरेक्ट। कभी पैसे नहीं है तो 25 शेयर, पैसे आ गए तो 500 शेयर, इस तरीके से मैं कर रहा था। ये बिल्कुल गलत था, मैंने कोई सिस्टमेटिक तरीके से पोजीशन साइजिंग नहीं बढ़ा रहा था। तो कई बार मुझको प्रॉफिट भी होता था धीरे धीरे, सबको पता है आप प्रॉफिट, आपको भी होता है। प्रॉफिट कैसे होता था, अगर प्रॉफिट हो रहा था तो 25 क्वांटिटी में होता था, कम अकाउंट साइज में क्वांटिटीज़ कम रहती थी। उसके बाद जब मैं उसको बढ़ा देता था अपनी गलतियों के कारण, सीधा 500 या 300 कर देता था, उसके बाद उसमें लॉस होता था और पूरा जितने मैं कई दिन तक 8-10 दिन तक प्रॉफिट कमाता था वो सारा एक ही ट्रेड में चला जाता था। तो मैंने अपने पोजीशन साइजिंग मेरी बहुत गलत थी स्टार्टिंग में, मैंने उसको सही किया। उसको सही करने का मैं तरीका बताता हूँ किस तरीके से किया। अब पोजीशन साइजिंग को सही करने की बात करते हैं, इसको मैंने कैसे सही किया। मैंने एक रूल बना लिया कि आने वाले 3 मंथ्स तक मैं सिर्फ 50 शेयर्स में ही या 50 क्वांटिटी में ही काम करने वाला हूँ। मेरा कैपिटल 50K हो या 1 लाख हो, जितना भी है मैं सिर्फ 50 क्वांटिटीज़ में काम करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि मेरा मकसद पैसा बचाना है, पैसा कमाना नहीं है। मुझको सिर्फ पॉइंट्स कैप्चर करने पर फोकस रखता था मैं कि मैं कितने पॉइंट्स कैप्चर कर रहा हूँ। मैं कभी भी क्वांटिटी साइज पर नहीं गया, मेरा मकसद हो जाता था पॉइंट्स कैप्चर का। पॉइंट्स कैप्चर मतलब अगर मैंने कोई 200 रुपये का एट द मनी का कोई प्रीमियम लिया है तो मैं चाहता था इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स कैप्चर करूँ, 200 की जगह 280, 300, 100 पॉइंट कैप्चर करूँ, ना कि पोजिशन साइजिंग के हिसाब से प्रॉफिट करूँ। यानी अगर मैं जो 50 क्वांटिटी में अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करना मेरा मकसद हो गया था, ये नहीं कि 500 क्वांटिटीज़ में कम पॉइंट्स कैप्चर करना। तो आप भी यही करना, अपने पॉइंट्स कैप्चर करना स्टार्ट करिए। आपको पॉइंट्स अपने प्रीमियम में कैप्चर करने हैं, ना कि आपको पोजिशन साइजिंग के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस देखना है। और थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है, मैं स्टार्टिंग में हमेशा अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखता रहता था। कोई ट्रेड लेने के बाद MTM में हर टाइम सिर्फ MTM देखता रहता था कि प्लस 500 चल रहा है, फिर -600 हो गया, फिर +800। फिर उस वजह से क्या होता था कि मेरी साइकोलॉजी बहुत ख़राब हो जाती थी और साइकोलॉजी ख़राब होने के चक्कर में कई बार प्लस माइनस मैं नहीं देख पाता था। हमको नहीं है, स्टार्टिंग में एज ए ट्रेडर आपको आदत नहीं होती है, तो उस वजह से मैं कई बार जल्दी ट्रेड कट कर देता था, कई बार मैं अपना टारगेट मिस कर देता था कि अभी और जाएगा, और जाने दो। उस चक्कर में कभी भी मैं अच्छे प्रॉफिट्स नहीं बुक कर पा रहा था और लॉसेज बड़े ले जा पा रहा था, क्योंकि बड़ा लॉसेज हो जाता था तो मुझको लगता था अभी 600 था वापस 300 आएगा तो मैं काट दूंगा। इस तरीके से ये मुझको काफ़ी ज़्यादा लॉसेज स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में आ रहे थे।
अब इसको सही करने के लिए मैंने थर्ड पॉइंट को सही करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस देखना अपना बंद कर दिया। मैं एंट्री लेता था, स्टॉप लॉस लगाता था और टारगेट पे लिमिट ऑर्डर लगा देता था। उसके बाद मैं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखता था, कभी भी एंट्री ले लेता था, स्टॉप लॉस और टारगेट लगा देता था। उसके बाद सिर्फ मैं चार्ट्स को देखा करता था, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस देखने से फिर मेरी साइकोलॉजी भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो गई। जब मेरी एक बार साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग हो गई, मुझको अपने सेटअप पर भरोसा हो गया, उसके बाद मैंने फिर से धीरे धीरे करके इस वाली आदत को अपना सुधार लिया कि हाँ अब मुझको फ़र्क नहीं पड़ता है मेरा PNL प्लस चल रहा है या माइनस चल रहा है। तो इसको लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में सही करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में देखना बंद कर दिया था। मैं देखता ही नहीं था कि प्लस चल रहा है या माइनस चल रहा है, मैं सिर्फ एंट्री और स्टॉप लॉस और एग्जिट लगाने के बाद अपने चार्ट्स पर ही फोकस करता था। अब बात करते हैं नंबर फोर्थ मिस्टेक की। इनिशियल स्टेज में हर ट्रेडर की तरह मैं भी BTST लेकर चला जाता था। BTST मतलब मैं रात को, मतलब शाम को 3:30 बजे के आसपास अपनी पोजीशन नेक्स्ट डे के लिए लेकर चला जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने 2 बजे कोई पोजीशन ली और वो एंड ऑफ द डे -1000 है, तो मैं उसको कट नहीं करता था डर के मारे या कुछ भी, मैं प्रॉफिट लॉस नहीं लेना चाहता था। इस वजह से मैं सोचता था कोई बात नहीं, मार्केट तो अच्छी चल रही थी, पता नहीं लास्ट में थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ आ गया, कल गैप अप खुलेगी, मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा। उस चक्कर में मेरे हमेशा अकाउंट ब्लो हो जाते थे। तो कभी भी BTST जब भी मैं लेके जाता था, एक दो बार ही होता था कि मेरे पक्ष में जाए, लेकिन हमेशा मेरा इस चक्कर में पूरा -1000 का जो रात पिछले दिन का लॉस होता था, वो अगले दिन वो बड़ा -5000 6000 बड़े लॉसेज हो जाते थे। उस टाइम के लिए मेरे पास 5000 1000 बहुत बड़ी होता था। उस टाइम पर अगर मेरा ट्रेडिंग कैपिटल ही 10000 रुपये है, तो 5000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ें लगती थी उस समय मुझे। ये 2019 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, 18-19 की। तो उस समय फिर मैंने इसको करने के लिए मैंने BTST बिल्कुल क्लोज कर दी। 2019 के एंड में, मतलब 2020-21 मान लीजिए आप, 2019 के एंड से लेके आज तक का मेरा पूरा रिकॉर्ड है, मैं आज तक कभी BTST नहीं लेके गया हूँ। इनफैक्ट आज के दिन भी मैं BTST नहीं लेके जाता हूँ। मैं ऑप्शन बायर हूँ, मेरा प्लान है इंट्राडे करना, तो मैं इंट्राडे पर ही फोकस करता हूँ। मेरी तरफ से कितना कोई भी आके मुझको बोलेगा कल मार्केट 1000 गैप अप खुलेगी, मैं BTST नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे हाथ जल चुके हैं। BTST में बहुत बार मेरा अकाउंट ब्लो हो चुका है, तो BTST मैं लेना बिल्कुल प्रीफर नहीं करता हूँ। मुझको लगता है कि ये गैम्बलिंग है और तो मुझको सूट नहीं होती है, तो मैं नहीं लेता हूँ। अब बात करते हैं नंबर फिफ्थ पॉइंट की और लास्ट पॉइंट की। एक्सपायरी डे पर अकाउंट ब्लो बहुत बार हुए हैं मेरे। एक्सपायरी डे पर मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती थी कि 10 का शेयर 1000 चला जाएगा या 10 का शेयर 100 चला जाएगा। उस चक्कर में मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हुआ करती थी। मैं 10 रुपये के आउट ऑफ द मनी के अपना पूरा कैपिटल इसमें लगा देता था। मुझको नहीं मालूम था उस समय कि किसने कैसे मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, टाइम वैल्यू किस तरीके से रिएक्ट करती है। उसके बाद एक हल्की रेड कैंडल पे मेरा 10 का प्रीमियम आराम से 3 या 4 रुपये आ जाता था। उसके बाद मैं सोचता था कि यार अब तो बचे ही 3-4 हज़ार रुपये हैं, 10 हज़ार रुपये पूरे लगा रखे थे, इनका भी मैं क्या करूँगा। उसको भी मैं कट नहीं करता था, 0 होने तक वेट करता था और एक्सपायरी के दिन मैं अपना पूरा अकाउंट अपना ब्लो करा देता था। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी फीलिंग्स। 2018-19-20 में मैं इस तरीके से मैं करता था कि एक्सपायरी के दिन धीरे 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 करके फिर मुझको सीखना स्टार्ट हुआ। तो इसको हैंडल करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में धीरे धीरे इस एक्सपायरी वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया अपनी, स्टार्टिंग में मैं एक्सपायरी में स्कैल्पिंग करने लगा, मैं छोटे टारगेट से लेने लगा। क्योंकि आपको भी पता है एक्सपायरी में अगर आपने 50 का लिया है, 60 का आता है, 70 का आता है, उसके बाद एक हल्की सी अगर आपके खिलाफ मार्केट में रेड कैंडल या कुछ भी आता है, तो 70 से दोबारा से 40 पर आ जाता है। तो मैंने एक्सपायरी के दिन छोटे छोटे टारगेट स्टार्ट करने बुक करने स्टार्ट किए। मैं स्कैल्पिंग करता था, 50 का 60 हो गया, 70 हुआ निकाल देता था, फिर दोबारा करता था। उसके बाद जब मुझको एक्सपायरी का पूरा एनालिसिस हो गया कि किस तरीके से एक्सपायरी वाले दिन मार्केट और प्रीमियम्स मूव करते हैं, उसके बाद मैं अब धीरे 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 करके मैंने अपनी पोजीशन साइजिंग मेंटेन करी, एक्सपायरी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अलग बनाई। तो उस तरीके से मैंने इस वाली प्रॉब्लम से ओवरकम पाया। ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये 2019-20 के एंड तक की हैं। उस टाइम पर लर्निंग फेज था मेरा, उस टाइम पर कोई टीचर्स भी नहीं थे हमको बताने वाले, यूट्यूब पर भी इतना कोई क्रेज़ नहीं था। हमने बुक से और एक्सपीरियंस से खुद से कर करके सीखा। प्रो टिप मैं आपको देता हूँ और एक मैं एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत अच्छी बात थी कि उस टाइम पर मेरे पास कैपिटल नहीं था, इतना कैपिटल नहीं था कि मैं 1-2 लाख रुपये डाल दूँ। और टच वुड मैं उस टाइम पर सोचता था कि काश मेरे पास 1 लाख रुपये हों तो मैं और पैसे कमाऊंगा। टच वुड वो नहीं थे, वो होते तो मैं उनको जीरो करने वाला था। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि स्टार्टिंग के 2 ईयर्स में मैंने 10,000 ऑटोमेटिकली, मेरे पे पैसा ही नहीं था। अब तो मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि आप कम डालो, लेकिन मेरे पे था ही नहीं तो मैं डाल नहीं पाया। तो 10,000 15,000 सिर्फ इस तरीके के मेरे अकाउंट ये ब्लो हुए हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने स्टेप बाय स्टेप करके आपके साथ मैंने अपना PNL शेयर किया ही है कि मैं किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नी मेरी रही है और जो ये मिस्टेक्स थी जो मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करी, उसके बाद मिस्टेक्स को मैंने कैसे सुधारा ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और कोई भी और आप मिस्टेक्स अभी अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको आपको, क्योंकि मुझको पता है हर ट्रेडर को सेम सी ही मिस्टेक्स होती है, उसको भी मैं आपको प्रॉब्लम बताने वाला हूँ। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो।